सर्वशाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय हो। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य श्री धैर्य सागर जी महाराज की जय। समस्त प्रश्नकर्ताओं की ओर से नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से। गुरुवर नमोस्तु। गुरुदेव, पत्थर की एक कमी होती है, वह पिघलता नहीं है, लेकिन एक बड़ी खूबी होती है कि वह बदलता भी नहीं है। महाराज जी, पल पल अपने मतलबों और स्वार्थों के लिए बदलने वाले लोगों से हम कैसे दूर रहें? कहीं उसमें आप खुद भी तो शामिल नहीं? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो किसी ना किसी के साथ धोखा न कर रहा हो, बदल ना रहा हो। हमें लगता है जब किसी से हमारी दुश्मनी होती है तो वो हमें छली लगता है, कपटी लगता है, मायावी लगता है, अनेक अनेक प्रकार के विकल्प आते हैं। लेकिन जब हम किसी के दुश्मन होते हैं तो हम वही करते पाए जाते हैं जो हमारे साथ। ये बात तुम उस समय पूछना जिस समय तुम किसी के दुश्मन बन गए हो। तुम जब किसी का बुरा सोच रहे हो तो उस समय तुम्हारे मन में अपने आप जवाब मिलेगा कि ऐसा क्यों होता है और इनकी क्या गति होगी। क्योंकि ये प्रश्न ऐसे हैं कि जहां हर व्यक्ति इनमें कहीं ना कहीं से लिप्त है, किसी ना किसी रूप से लिप्त है। बस समाधान इतना ही है कि जब कोई उसे ठगता है तो दुनिया बेईमान दिखती है, और जब वो स्वयं किसी को ठगता है तो उसे पुण्य का उदय मानकर खुशी हर्ष मनाता है। दुनिया ठग लेती है तो रोता है, और जब वो दुनिया को ठगता है तो हंसता है। अब मैं क्या जवाब दूं? दोनों का हस्र बुरा ही है, बुरा ही होगा। कृत्य बुरा है तो गति भी बुरी ही होगी। क्रिया बुरी है तो कर्ता को बुरा होना पड़ेगा, और कर्ता बुरा है तो उसका फल भी बुरा ही होगा। स्वाध्याय मंडल बड़ागांव धसान। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, क्या चारित्र मोहिनी कर्म के तीव्र उदय से कार्तिकेय मुनिराज की माता को यह निंदनीय अन्याय सहन करना पड़ा था? कृपया समाधान दीजिए। अब ये प्रसंग उस समय तात्कालिक क्या परिस्थिति रही है इनके लिए आज अपन कहने में कोई भी सक्षम नहीं। यदि इसको सही कहते हैं तो अनेकता फैलेगी, इसको गलत कहते हैं तो उस समय की परिस्थिति क्या थी। राजधर्म था, राजा सर्वोपरि था, और राजा के सामने और उस समय और साथ में पुत्री भी थी, और पुत्री कितनी अबोध होती है, कितनी पिताजी के सामने विश्वसनीय पिता को मानती है, अंधी होती है। वह तो यही सोचती है मेरे पिताजी जो कुछ भी मेरे साथ करेंगे अच्छा करेंगे, क्योंकि वो कभी दुनिया पे अविश्वास कर सकती है, पिता पे नहीं। वो तो ये मान के चलती है, उससे आगे उसके क्या सोच है, क्या विचार है, जिसके मन में ये श्रद्धा हो कि नहीं, सामने वाला मेरा कभी अहित कर ही नहीं सकता क्योंकि मेरा पिता है। अब उस समय उस हम कन्या को कोई दोष दें, उस कन्या को बुरा कहें, तो ये नैतिकता नहीं होगी। बस इतना ही कहूँगा, ये दुर्घटना थी, ये दुर्घटना थी जो निंदनीय है। दुर्घटना कभी प्रशंसनीय नहीं होती, दुर्घटना कभी अनुकरणीय नहीं होती, दुर्घटना कभी किसी भी रूप में आदर्श का रूप धारण नहीं करती। दुर्घटना को दुर्घटना मान के ही छोड़ देना चाहिए। स्मृति मात इसलिए रखी जाती है कि द्वारा ये दुर्घटना ना हो पाए, इसलिए स्मृति रखना है, बाकी और कोई भी निर्णय अपन इसमें नहीं कर पाए। श्रीमती चंदा, डॉक्टर मगन जैन, आष्टा, मध्य प्रदेश। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन।
जिज्ञासा, लोक पूर्ण समुद्घात करते समय जीव के मध्य आठ प्रदेश कहाँ स्थित होते हैं, हो जाते हैं, इसका क्या औचित्य है? आठ प्रदेश जो जीव के मेरु पर्वत के नीचे, जड़ के नीचे जो स्थान होता है, मेरु पर्वत के आठ प्रदेश और अपने नाभि के आठ प्रदेश जाके वहाँ स्थित होते हैं, तब कहीं जा, क्योंकि जब तक कोई भी चीज को स्थित नहीं करोगे तो फिर वो फैलाव कैसे होगा? बराबर फैलना है ना, मध्य तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि चारों तरफ वो बराबर रूप से फैलते हैं। जहाँ तक गति एक सी होती है, भली दीवार आ जाने पर रुक जाए, मध्य में एक राजू के बाद रुक जाएंगे, ऊपर नीचे 14 राजू जाएंगे, लेकिन उनके बढ़ने का क्रम एक समान है, एक समान, एक धारा में सब बहेंगे। जिनको आगे रुकने को धर्मास्तिकाय नहीं मिलेगा वो रुक जाएंगे, शेष बढ़ते रहेंगे। तो बढ़ते हुए मध्य लोक के मेरु पर्वत के आठ प्रदेशों के नीचे उन स्थिर करना ही पड़ेगा। बिना स्थिर किए, बिना मध्य बनाए बिना वो अपना चारों तरफ का विस्तार नहीं कर पाते। वर्षा जैन बेगमगंज, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, सियार नाम का जानवर होता है क्या? उसके बोलने या चिल्लाने से अशुभ होता है क्या, और कहाँ तक उचित है? अगर उचित है तो इस अशुभ से कैसे बचें? सियार के बोलने को मानते तो अशुभ ही है, लेकिन शाम को सियार बोलते हैं वो तो उनके बोलने का समय है। खेतों पे आप कभी जाएं कोई खजान से पूछना, वो कहता मैं तो शाम को रोज को ही सियार बोलते, उनके बोलने का समय होता है। आकस्मिक कोई समय अन्य समय पे, क्योंकि शाम को छोड़ करके अन्य समयों पे यदि कभी आ जाते हैं तो एक संकेत होता है वो, और एक संकेत के रूप में ही बहुत पशु पक्षियों की आवाज़ें संकेत रूप में शुभ अशुभ का संकेत तो देती है। सम्यक जैन मिर्ची, अशोक नगर, नमोस्तु मुनिश्री। मेरी जिज्ञासा है, कर्म निर्जरा और कर्म छह में क्या अंतर है? कर्म निर्जरा के दो भेद होते हैं, एक देश और सर्वदेश, और छह जो होता है हमारे यहाँ सर्वरूप से होता है। छह संज्ञा जब भी प्राप्त होगी, जब वो पूर्णता नष्ट हो गया, अब द्वारा पुनः उसकी सत्ता नहीं बनेगी, उसको बोलते हैं छह। अब द्वारा छत्ता में नहीं आएगी, नष्ट हो गया, खत्म हो गया, क्षय हो गया। निर्जरा दो प्रकार की होती है, एक देश निर्जरा, एक सर्वदेश निर्जरा, अकाम निर्जरा, सकाम निर्जरा। इस प्रकार की निर्जराओं के अनेक भेद हुए। जो कर्म हमने निर्जरा को प्राप्त किया है उसी समान दूसरा कर्म हमें बन जाएगा। मिथ्यात बन रहा है तो बन रहा है, लेकिन क्षय होने के बाद फिर वो पुनः सजाती मिथ्यात भी नहीं बनता है। इसलिए क्षय और निर्जरा में कथनचित भेद है। सामान्यता देखा जाए तो निर्जरा में भी क्षय हो रहा है, वहाँ भी क्षय हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ निर्जरा और क्षय शब्द रूढ़ संज्ञा को प्राप्त है। वंदना जैन, ऋषिकेश। महाराज श्री के चरणों में बारम्बार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि हम शांति धारा के टाइम पर मंदिर नहीं जा पाते, तो बाद में बिना धारा के शांति धारा पढ़ने में कोई दोष तो नहीं लगता? नहीं पढ़ना चाहिए, जो चीज़ जिस समय पढ़ने के योग्य है उसी समय पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें जल के साथ ही है, तो बाद में पढ़ना मेरी दृष्टि से उचित नहीं है। क्योंकि शांति धारा एक अभिषेक की पवित्र बनाने के लिए है, जो अभिषेक है ही नहीं तो फिर विचार नहीं है। विकास जैन शास्त्री, कटनी, मध्य प्रदेश। नमोस्तु भगवान, मेरी जिज्ञासा यह है कि आपने पंच परमिष्टि के पांच कलरों के बारे में बताया था, तो क्या हम अभी घर में लिपाई पुताई के समय में ये पांच कलर कहीं भी किसी भी कोने में करवा सकते हैं क्या? नहीं करना चाहिए, गृहस्थ एक संसारिक प्रसंग है, उस समय ये कलर इस रूप में यदि आप कराते हैं तो उचित नहीं। श्रीमती प्रियंका, इंदौर। गुरुदेव नमोस्तु, हम समस्या से जितना दूर भागते हैं वो उतनी तेजी से हमारी ओर आती है, लेकिन हम उससे निपटने की ठान लें तो वह हमसे दूर भागती है। महाराज जी, हिम्मत और समस्या दोनों एक दूसरे के घोर विरोधी हैं। महाराज जी, किस योजना से कार्य करने चाहिए जिससे हमें बिना समस्या के सफलता प्राप्त हो जाए? आप समस्या को समस्या माने ही नहीं, अभी हम जो प्रातःकाल प्रवचन दे रहे हैं, आप अभाव को अभाव मानते क्यों? आप सद्भाव को पूर्ण मान लेना,
आप जो है उसका तो आनंद ले नहीं रहे, जो नहीं है उसके टेंशन में, जो नहीं है उसका तो टेंशन कर रहा है, उसके लिए सोचने के लिए तो आपको समय है, लेकिन जो तुम्हारे पास वर्तमान में है उसके संबंध में आप विचार नहीं कर रहे, तो आपकी भूल है। समस्याएं आती हैं, लेकिन उस समस्याओं का समाधान करने के लिए चिंता नहीं, चिंतन करो, उस समस्या को दूर करने को ढूंढो। समस्या से भागोगे तो समस्या कोई तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ देगी। समस्या से निपटने, समस्याएं कुत्ते के समान होती हैं। कुत्ता जब भौंकता है और तुम भागोगे कुत्ता पकड़ लेगा, और तुम खड़े हो जाओगे तो शायद वही कुत्ता पूंछ लाने लग जाएगा, तो भाग जाएगा। इसलिए समस्याओं के साथ डरो मत, भागो मत, उसके सामना करो। जीवन एक चुनौती है जिसे स्वीकार करो, जीवन एक स्वप्न है जिसे साकार करो। अभिषेक जैन मोदी, भैंसदेही, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश। नमोस्तु महाराज जी, आपने बताया था कि उबले दूध की मर्यादा 24 घंटे की होती है। अगर मैं शाम को 4 बजे सोले से दूध निकालकर उसे उबालकर अगर फ्रिज में रख देता हूँ और दूसरे दिन सुबह उसको दूध को गर्म करके आहार में लेता हूँ तो क्या वह दूध शुद्ध और मर्यादित होगा? मर्यादित होगा, पूर्णतः शुद्ध है, ठीक है, कोई बात नहीं। दिलीप जैन, दौड़गांव, महाराष्ट्र। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, हम मंदिर जी में अभिषेक के बाद सामूहिक भक्तांबर स्तोत्र का पाठ करते हैं। गुरुदेव, क्या हम भक्तांबर स्तोत्र पाठ करते समय कपूर और लवंग से धूप खे सकते हैं? धूप खेने के संबंध में मैं अभी नहीं बोल सकता। धूप खेना एक प्रकार के अलग शब्द है। कोई नकारात्मक शक्ति को हटाने के लिए हम धूप बोलते कहते हैं, लेकिन धूप ना कह करके दीप खो, दीप जलाओ ना। धूप में और दीप में अंतर, दीप जलाए तो ज्यादा बेटर है। धूप खेने के लिए बहुत थोड़ा सा अलग प्रभाव पड़ता है, अलग ढंग की प्रक्रिया है उसकी, दीप जलाना चाहिए। नम्रता जैन, सूरत। नमोस्तु महाराज जी, हमें गाय की सेवा कैसे करनी चाहिए? कौन सी गाय की? दूध वाली की, बिना दूध वाली? बिना दूध वाली गाय की यही सेवा है कि उसको निस्वार्थ रूप से, गाय की सेवा को क्या चाहिए है? उसको भोजन मिल जाए, पानी मिल जाए, बस इससे ज्यादा हो क्या? बीमार हो जाए तो औधज मिल जाए, वो तो कुछ है ही नहीं। उसकी कुछ सेवाएं सामान्य सेवाएं हैं, ऐसे करना चाहिए। एक जीव मान करके, एक उपकारी जीव मान करके करना चाहिए। राजेंद्र जैन, मेरठ। नमोस्तु गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि परिवार में बीमार व्यक्ति की सेवा शुश्रूषा करने से शुभ का बंद होगा या अशुभ का, और क्या यह वैयावृत्ति कहलाएगा? पात्र को देख कर किया जाता है। एक वैयावृत्ति होती है और एक सेवा होती है। जब कभी हम मोह भाव से, संसार के ममत भाव से करते हैं तो वह सेवा है, और जब मोक्ष मार्ग के प्रसंग में किसी पात्र की सेवा करते हैं तो वैयावृत्ति है। पूज्य उमा स्वामी महाराज ने वैयावृत्ति के पात्र बताए, इनकी वैयावृत्ति होना, उसमें एक मनुष्य की वैयावृत्ति बताई। मनुष्य का अर्थ जो धर्मात्मा नहीं है लेकिन धर्म बनने के अभिमुख है, उसकी भी वैयावृत्ति होती है। और सेवा जो है वह सांसारिक व्यवस्थाओं को लेकर के सेवा की जाती है। आप लोग जो माँ बाप की सेवा करते हैं इसमें पुण्य का बंध होता है, क्योंकि उसमें आप लोग के मन में भरी राग भाव है, लेकिन वो पुण्य का बंध आप परमार्थ की सिद्धि का कारण नहीं बनेगा, संसार की व्यवस्था बनाने में कारण बनेगा। क्योंकि उपकारी भाव, माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया, उन्होंने तुम्हारी सेवा की, तुम उनकी कर रहे हो, तो उपकार उपकारी भाव होता है। उपकार उपकारी भाव में पुण्य बनता है, लेकिन वो सांसारिक पुण्य बनता है। और जहाँ उपकार उपकारी भाव नहीं है, मात उपकार भाव है, तो वहां पर वैयावृत्ति कहलाती है। प्रभात जैन, ललितपुर। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न नहीं भावना है। 2 अक्टूबर को ज्ञानोदय का संस्मरण सुनते समय मेरी आंखों से आंसू टपक पड़े, ऐसा क्यों हुआ? और मेरे क्या बहुत लोगों के रोल मॉडल अशोक जी जैन पाटनी साहब का दृश्य सामने आ गया, जब आचार्य श्री से प्रार्थना निवेदन कर रहे थे ज्ञानोदय आने के लिए, ज्ञानोदय के पंचकण होने तक मैं भी केला फल के अलावा किसी अन्य फल का सेवन नहीं करूंगा, आशीर्वाद की कामना है, आपका शुभरार्थी। अब देखो, वो तो चीज ही जब अच्छी चीज होती है और कोई अच्छी चीज की प्रशंसा होती है
उपकारी चीज होती है और उपकारी की कोई प्रशंसा करता है तो अंदर से एक आह्लाद भाव आता है, आनंद भाव आता है। आह्लाद और आनंद के कारण से आंखों से आंसू आना, ये आह्लाद का प्रतीक है, क्योंकि हमारी उस मूर्ति के प्रति श्रद्धा है, उस मूर्ति ने उपकार किया है। वह क्षेत्र भारतवर्ष की एक बहुत बड़ी ध्वजा है और उस देश उस क्षेत्र के प्रति पाटनी जी ने जो महाराज से निवेदन किया तो हर व्यक्ति इसलिए द्रवीभूत हुआ कि उस क्षेत्र से पूरे भारतवर्ष को बहुत उम्मीदें हैं। वह क्षेत्र सारे भारतवर्ष के जैन दर्शन की सर्वोच्च ऊंचाई को लेकर के ध्वजा बनेगा, जैन धर्म की पहचान होगी, जैन धर्म का एक रूप होगा कि इस कल युग में भी भक्तों के द्वारा कैसे तीर्थ बनते हैं और किस ढंग की व्यवस्थाएं होती हैं, किस ढंग का रूप बनते हैं। जब कोई वस्तु का निर्माण होता है तो निर्माण करते समय कीमत नहीं होती, जब निर्माण करने वाला सब ऊपर चले जाएंगे फिर दुनिया ऐसी कीमत करेगी। ज्ञानोदय की कीमत आज से 100 साल के बाद जब अपन सब ऊपर चले जाएंगे ऐसा पूछेगा, ऐसा इतिहास बनेगा कि लोग देख करके दंग रह जाएंगे कि इस युग में, ऐसे युग में जिसको भौतिक युग कहते हैं, एक बहुत बड़ी जैन धर्म की ध्वजा है। कई लोग तो जो होते हैं वो व्यक्तिगत कसाय में इस विशाल सागर को नहीं देख पाते, व्यक्तिगत स्वार्थ में, व्यक्तिगत विद्वेष में कई बार लोग विशालता खो बैठते हैं, वे दुर्भाग्य होते हैं। लेकिन जिनके अंदर ऐसी विशालता रहती है तो ऐसे स्थानों की प्रशंसा सुनकर के गदगद भाव होना स्वाभाविक है, कोई बड़ी बात। अभिलाषा मुंबई, पूज्य गुरुदेव आपने प्रवचन में कहा था जो घर में वृद्ध हों वे मौन हो जाएं, मन वचन से कमजोर हो तो भूमिगत हो जाएं। गुरुदेव असमर्थ माता पिता घर में रहकर ऐसे ही जी रहे हों किंतु फिर भी बहुएं उनको ढाल बनाकर क्लेश करती हों, उनका सब कुछ अपने नाम करवाने के बाद उनको अपनी मर्जी का बोलने के लिए दबाव बनाती हों, गुरुवर ऐसे में वे बुजुर्ग कैसे जिए जबकि बेटियों को भी उनसे दूर कर दिया गया हो। ये तो बेटा पैदा करने के पहले सोचना था, शादी करने के पहले सोचना था, घर में बहू लाने के पहले सोचना था कि ये सब कुछ हो सकता है। व्यक्ति जब गाड़ी में बैठता है तो उसको ये सोच के चलना चाहिए कि रास्ते में गाड़ी पंचर हो सकती है, हर चीज की रिक्स है, ये तो संसार के रिक्स हैं, इन रिक्सों को फाइ ये जितनी भी समस्याएं इनको निपटने की हिम्मत हो उसी को संसार में प्रवेश करना चाहिए। हमारे जैन धर्म में तो स्पष्ट पहले ही कहा, मुनि महाराज से पहले ही कह दिया ये लिस्ट है, मुनि बनने के बाद ये समस्याएं आएंगी, उस समस्या से निपटने की तुम्हारी ताकत हो पहले ही केशलंज करा दिया, दीक्षा के पहले केशलंज करना पड़ेगा, क्या इस समस्या से निपट पाओगे। गृहस्थी में प्रवेश करने के पहले कोई भी व्यक्ति धंधा करता है, कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज में पारंगत होता है अपने सीरियस से 2 साल प्रैक्टिस लेता है, कोई धंधा करता है तो सोचता है ये धंधा इसके पहले किया, मैंने एक बार प्रश्न में कहा था कोई भी कार्य करने के पहले सोचो क्या यह कार्य मेरे से पहले किसी ने किया है और जिसने किया है उसका हस्त क्या हुआ, उसका क्या हुआ। तो जूनियर डॉक्टर हमेशा सीनियर से पूछता है, व्यापारी सीनियर व्यापारी से पूछता है, आप गृहस्थी में जाने के पहले 100 गृहस्थ जोड़ों से पूछते, 100 घरों से अनुभव लेते कि साहब गृहस्थी बसाने के अनुभव बताओ, और जो जो समस्याएं गृहस्थी बताते उनसे निपटने की तैयारी करते तो शायद आज ये तुम्हारे सामने प्रश्न नहीं होता बल्कि इस समस्या का समाधान तुम खुद कर चुके होते। बिना बिचारे तुम काम कर लेते हो पर बाद में समझ, ये समस्याएं जो तुम बता रहे हो इन समस्याओं को यदि आप शादी के पहले बेटा बिटिया की शादी के पहले ये मान के करना कि बहू आएगी इस घर को आग लगाएगी, तुम्हारे पास अग्निशामक यंत्र है, जब यहां ये पंडाल बना तो उसके साथ ही अग्निशामक यंत्र लगाए गए पहले ही से। इसी प्रकार आपको हर व्यक्ति को शादी करने के पहले सोचना चाहिए, बहू अनजाने घर से आगे आ रही है, हो सकता है घर को नरक बना देगी,
हो सकता है घर को आग लगा देगी, हो सकता है घर को तहस नहस कर देगी, हो सकता है घर की शांति भंग कर देगी। आपकी क्या तैयारी है? वो आके शांति भंग करेगी क्या? आपको शांति बनाने की औकात है? वो आके तुम्हारे घर को नरक बना देगी तुम में स्वर्ग बनाने की ताकत है? वो आकर के सबको तहस नहस कर देगी, अलग कर देगी, बेटे को अलग कर देगी, बाप को सबको अलग कर देगी, तुम में गोंद से चिपकने की तैयारी है? तभी करना चाहिए। ये समस्याएं तो हर व्यक्ति के जीवन में आ रही हैं, और समस्याएं भी आ रही, फिर भी कोई कोई छोड़ नहीं रहा है। मेरे से जवाब पूछ दो, अभी मैं कह दूं ऐसी बातें तो तुम कह दो महाराज ये तो चलता रहता है। हर व्यक्ति को मालूम है कि क्या क्या समस्याएं आती हैं गृहस्थी बसाने में, और हर व्यक्ति जूझ रहा है। 10 में से हर एक व्यक्ति गृहस्थी में परेशान है, 10 में नहीं तो 100 में एक परेशान मान ही ले। हम 10 में कह रहे हैं, 10 में से एक व्यक्ति कहीं ना कहीं से गृहस्थी बसा के परेशान है। चलो 10 नहीं मानो, 100 में से तो एक व्यक्ति जरूर कोई ना कोई परेशान है। उसके बावजूद भी तुम लोग सब वही कर रहे हो, इसलिए ऐसे प्रश्नों के संबंध में जिस दिन तुम मेरी मानने को तैयार हो जाओगे उस दिन पूछना, और जब तक मानने को तैयार नहीं हो तो इस समस्या से स्वयं निपटने का प्रयास, हिम्मत से काम लो। ये मान के चलो कि मैं पहले ही जानता कि ये समस्या आएगी और मैं उस समस्या से निपटने की तैयारी, मेरा तो नेचर है। कोई भी कार्य करता हूँ मैं सबसे पहले समस्या पर विचार करता हूँ, ये समस्याएं आएंगी, ये विरोध होगा, ये परेशानी आएंगी, मैं सब उन समस्याओं को निपटाने के लिए पहले से तैयारी करके रखता हूँ। और मैं सब पर, क्योंकि मुझे अनुकूल बनाने की समस्या नहीं है, मुझे इस बात का कभी विकल्प नहीं आता कि इस कार्य में कितने लोग सहयोग देंगे, ये तो मुझे किसी के सहयोग की जरूरत ही नहीं है। मुझे तो ये विकल्प आता है कि इस कार्य में असहयोग कितने देंगे, कितने लोग असहयोग देंगे, उन असहयोगों से निपटने की ताकत हमें आती है तो मैं काम करता हूँ। और जैसे ही मुझे पता चलता है कि मैं इनसे नहीं निपट पाऊंगा मैं उस काम को नहीं करता। सारे संसार को मेरा यही संदेशा है कि कोई भी कार्य करने के पहले नेगेटिव पॉइंट सोचो, क्या क्या समस्याएं आएंगी, उस निपटने की तैयारी है तो आप बहुत समस्याएं आएंगी आती रहेंगी, लेकिन तुम्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, तुम यही गाते रहोगे, जाको राके साइयां मार सके ना कोई, वाल नवाका कर सके जो जग बैरी हो। स्वाध्याय मंडल बड़ा गांव धसान। गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, यदि चक्रवर्ती के वैक्रक शरीर सप्त धातु रहित माने जाएं तब जिज्ञासा उठती है। कल आगे प्रश्न है, क्या गया ये 923 उधर संतान उत्पत्ति कैसे हुई? हाँ, अगला प्रश्न है, वेदचंद जैन, पेंड्रा रोड, छत्तीसगढ़। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि क्या सिद्ध भगवान का भी तीर्थंकर भगवान की भांति पंचकल्याणक महोत्सव होते हैं, और महाराज जी तीर्थंकर भगवान की भांति क्या समवसरण में विराजमान होते हैं सिद्ध भगवान, और क्या उनकी भी दिव्य ध्वनि खिरती है? बराबर खिरें, क्योंकि पंचकल्याणक के बिना तो वो जाएंगे नहीं, भले पांच कल्याणक नहीं होंगे, यदि 24 तीर्थंकर हैं तो पांचों कल्याणक के साथ ही मोक्ष होगा उनको। सामान्य केवली हैं तो 2 कल्याणक होंगे, तो सिद्ध बनने के पहले उनको समोषण में ले जा सकता है, हम सिद्ध बनने की बात नहीं है। महिमा जैन, किशनगंज, बिहार। नमोस्तु महाराज जी, मेरे घर में भक्तांबर सुख का यंत्र जी है, उसको मैं कहाँ रखूँ, क्या करूँ? मैं यंत्रों के पक्ष में नहीं हूँ, घरों के अंदर यंत्र आदि रखना उचित नहीं है, इनके दुष्परिणाम बहुत होते हैं। बहुत साधु संत लोग यंत्र मारते हैं, बाद में तो गलत उनका प्रभाव पड़ता है। मुझे आज तक किसी आगम में, किसी शास्त्र में घरों में यंत्र रखने का प्रावधान नहीं मिला। चक्रवर्ती के महल देखे, बड़े बड़े राजा महाराजों के, लेकिन यंत्र रखना घर में उचित नहीं है, बिल्कुल भी उचित नहीं है। यंत्र भगवान के जैसा पूज होता है मंदिर में ही रखना चाहिए। श्रीमती सारिका जैन, तेल वाले, सिरोंज। गुरुवर के चरणों में सपरिवार नमोस्तु। जिज्ञासा है कि आपने अपने प्रवचनों में अधिकांश यह बात बोलते हैं कि भावना भवनाशिनी, आप प्रवचन में बोलते हैं कि भावना भवनाशिनी तथा जिसकी रही भावना जैसी सो देखी मूरत तिन तैसी, इसका अर्थ क्या है? ये भावना ही है मात, इसको मूल सिद्धांत मत मानना। ये ऐसी भावना है जैसे हम कहते हैं जगत का कल्याण हो, लेकिन अभव्यों का कल्याण नहीं होगा, ये भावना है। सिद्धांत है कि अभव्य का कल्याण नहीं होगा, और भावना है कि सबका कल्याण होना चाहिए।
तो इन भावनाओं को ऐसे ही लिखा जाता है, जखी राखी रही भावना जैसी, शो देखी मूरत तन तैसी। यानी जो जैसी भावना करता है उसको वैसे ही सृष्टि दिखती है, वैसे ही सृष्टि मिलती है, वैसा ही उसका सोच होता है। अच्छे लोगों के साथ रहेगा तो अच्छा सोच होगा, अच्छा विचार आएगा, बुरे लोगों के साथ रहेगा तो बुरा विचार आएगा। स्वयं बुरा होगा तो उससे कार्य भी बुरा ही होगा, जिसका मन बुरा है उसकी नियत उसके कार्य भी बुरे होते हैं, इसलिए ऐसा मानना है। अचिंत जैन हैदराबाद, मेरे परम उपकारी गुरुदेव को त्रिबार नमोस्तु। गुरुदेव, ज्ञानोदय नारेली की महातिशयकारी मुनि सुब्रतनाथ भगवान के नारेली में स्थापित होने के 1008 दिन पूर्ण हो गए। सभी से सुना है कि भगवान किशनगढ़ से आकर 1 जनवरी 2018 की नारेली में स्थापित हुए थे। जिज्ञासा है कि भगवान कब, कैसे और कहां भूगर्भ से प्रकट हुए तथा कहां विराजमान थे? मैंने एक बार कहा था तुम्हें, आम से मतलब है गुठली से, ये पक्का है भूगर्भ से। कुछ बातें ऐसी हैं जिनका इतिहास सामने आने पर कोई समस्याएं भी होती हैं, और उनको यदि आप बस इतनी समझें कि भूगर्भ से भगवान आए थे और वो अलौकिक हैं, तुम्हारी जिंदगी के लिए बहुत, भारत वर्ष के लिए कुछ शुभ हैं, बहुत सगुण रूप हैं, बहुत मांगलिक हैं, बस इतनी। और बाकी इतिहास के संबंध में समय आने पर इतिहास आपके सामने आ सकता है। श्रीमती चंदा, डॉक्टर मगन जैन आष्टा, परम पूज्य गुरुदेव सत्सत नमन। जिज्ञासा, कसाय रहित जीव को केवल ईरिया पथ आश्रव बताया है, उसका बंद उदय उदीर्णा एक समय में कैसे होती है, समझाएं। कसाय रहित जीव जो होते हैं, ईरिया पथ आश्रव होता मात उनका, तो उनका बंद उदय उदीर्णा एक समय में कैसे होती है? होती नहीं, वो तो एक समय जैसे पनाल पे पानी गिरता है। पूज्यवर शिवकोटी महाराज ने उदाहरण दिया, कहते चद्दर लगा हुआ है, चद्दर पर पानी गिरा, रुकता कहाँ? वो तो आया, स्पर्श करता हुआ चला जाता है। विवरणाएँ आत्मा को स्पर्श करती है और चली जाती है, ना उसमें उदीर्णा होती है, उदय मात्र होता है। आया, उदय भी क्यों कहें, सत्य ही नहीं बनी तो उदय क्या बनेंगे? एक समय में आना, उसी में आना, चले जाना, गिरना, इसलिए उनको उदीर्णा शब्द तो दे ही नहीं सकते। उदीर्णा तो उनमें होती ही नहीं है, जितने निषेक आए उतने पूरे के पूरे चले जाते हैं। तो ईर्यापद आश्रव कहते हैं उसको, नाम ही मात्र आश्रव संज्ञा है, बंद संज्ञा नहीं है, आता है और चले जाते हैं। सरोज जैन नमोह, गुरुदेव नमोस्तु। अगर हम कोई नियम भगवान के सामने लेते हैं और उस नियम को तोड़ने को हमारा अंदर से मन करता है, तो मन से अंदर से कहते हैं कि यह हमारा दृढ़ संकल्प है, हम नहीं तोड़ेंगे, और हम इस नियम को नहीं तोड़ते हैं, तो हमें पूरा पुण्य लगेगा कि आधा? जितना मन बिगड़ रहा हो उतना कट जाएगा, जितना मन लग रहा है उतना लग जाएगा, सीधी बात। ज्योति जैन गोटेगांव नमोस्तु महाराज। मागध जाति के देवों का क्या पुण्य होता है जो तीर्थंकर की वाणी को सर्वत्र प्रसारित करते हैं? इन देवों में कितनी किनकी उत्पत्ति होती है? देखो, वो तो नियोग रूप से करते हैं, उनका नियोग यह कार्य है। फिर भी यदि वो अपनी विशुद्धि भाव बढ़ा रहे हैं कि अवभाग्य है मेरे कि मैं जिनेंद्र भगवान की वाणी को कितना फैला रहा हूँ। जैसे मैंने कहा था ना कि यदि ये लाइव वाले जो बच्चे बैठे हैं, जो वीडियो बना रहे हैं, इनके मन में ये भाव आ जाए कि वीडियो तो मुझे कहीं की बनाना ही थी, कहीं ना कहीं बनाता, मेरे कितने भाग्य हैं कि एक गुरु की, एक साधु की वाणी को सारी दुनिया में प्रचार हो रहा है, तो इनको भी पुण्यबंद हो सकता है। यदि ये मान लें तो, अवभाग्य मान लें तो, कि मेरे कितने भाग्य हैं कि मुझे साधु की वाणी को बाहर भेजने का, नौकरी तो मुझे करनी ही थी, कहीं ना कहीं करते। सवाल है अवभाग्य मानने पर, यदि वो नियोग को भी अपना अवभाग्य मान लेते हैं तो नियोग भी पुण्यबंद का कारण होता ही है। पंकज जैन सागर से, मेरी माँ पापा का विवाह जब से हुआ, माँ कभी भी स्वस्थ नहीं रहती और उनका मन तन सभी कमजोर हो गया। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है, हमारे कर्म कौन से कर्मों का उदय है और हम ऐसा क्या करें कि उनका तन मन दोनों को स्वस्थ रख सकें? नमोस्तु। कार्य को देखकर कारण का निश्चित होता है, अशुभ कर्म का उदय है तो अशुभ कोई कार्य तो किया है, और जिस संबंधी आपके लिए परेशानी है उसी संबंध का आपने कर्म किया है, सीधी बात। कभी कभी कारण से कार्य का अनुमान लगाया जाता है और कभी कभी कार्य से कारण का निर्णय किया जाता है, ऐसा। विजय जैन मुंबई, मुनिश्री नमोस्तु महाराज जी। क्या पूजा सामग्री में चावल उपयोग जैन आदर्श संगत है?
चावल को उसके बीज की हिंसा से और सर्प पालिस आदि से अक्षत तो नहीं माना जा सकता। फिर बीज हिंसा, वंश हिंसा और इसमें अनेक त्रस्त जीवों तुरंत उत्पन्न होना जैन अहिंसा के अनुरूप कैसे हुआ? क्या ये बेहतर नहीं कि धान का प्रयोग हो और पूजा के बाद वो खेती आदि में डाल दें तो वो पुनः उग जाए, उनका वंश चलता रहे? नहीं, हमारे यहाँ अष्टद्रव्य जो है प्रतीकात्मक होती है। यदि हम धान को बोएंगे तो प्रतीक ये है कि हम जो त्याग कर रहे हैं वो हम पुनः संसार बसाएंगे, संसार को छोड़ करके बसाएंगे। इसलिए चावल अनुयोजन अयोनज है, पुनः अंकुरित नहीं होते। हमारे यहाँ दो सचेत है, एक तो सचेत होता ही है, एक योनि सचेत है। तो धान में अंकुर आ जाएगा, अंकुर आएगा, अनंत काय जीव बनेंगे उसमें। आप सोचिए वो जो धना हुआ धान है खेत में जाएगा, कितनी हिंसा करेगा, कितना वनस्पति काएगा, अंकुर आएगा, फिर लोग काटेंगे, फिर बनाएंगे। तो वो संसार के धर्म कार्यों के लिए जिस अनाज में अंकुर आने की संभावना है उसको पूजा में उपयोग नहीं किया जाता। जैन दर्शन का सबसे बड़ा सूत्र, गेहूं भी चढ़ाए जा सकते थे, चने भी चढ़ाए जा सकते थे, नहीं, इनमें अंकुर आने की संभावना है, अंकुर आ सकता है। और अंकुर आने वाला जो वस्तु होती है इतना तक दोष है कि जिस चने में अंकुर आने की संभावना है हम लोग भी नहीं खाते, हम लोग भी या तो उसको दबाने का प्रयास करते हैं या फिर अंतराय कर देते। सचेत कोई बीज है तो, क्योंकि उसमें अंकुरित आने की संभावना है, तो ये बहुत बड़ा दोष माना जाता है। और चावल जो है निर्दोष है, ना उसमें जीव है और ना वो जीव है, उसमें भी जीव नहीं है ना वो जीव है। रही बात, अब चावलों में भी ईले पड़ जाते हैं तो वे तो तुम्हारे पेट में भी पड़ जाते हैं। चावलों में कीड़े पड़ जाने से कोई चावल को फेंक नहीं देता, उसको शोधन करता है। पेट में कीड़े पड़ जाने से कोई पेट को काट के नहीं फेंक देता है, उन कीड़ों को अलग करने का प्रयास करता है। तो चावल बिल्कुल निर्दोष है, अचित है, वनस्पति काय का कोई भी कायक जीव उसमें नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। नमो परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखारविंद से अपने घरों पर ब्राजे टीवी के समक्ष जिनवाणी चैनल, सुधा कला चैनल, जिनवाणी ऐप के माध्यम से जिज्ञासाएं भेजने वाले, सुनने वाले, देखने वाले सभी भक्तों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। तपोदय तीर्थ पर विश्व के बड़े बाबा की वेदिका पर स्वर्णकारी हेतु आज ऐसा भक्त जो ललितपुर से आए, जिन्होंने अपनी माँ की दो सोने की चूड़ियाँ इस क्षेत्र पर लगने वाले स्वर्णकारी के लिए दी हैं। प्रकाश चंद जी के जन्मदिवस के अवसर पर श्रीमती प्रभा जैन की ओर से स्वर्णदान, परिवार पुत्र गौरव, प्रियंका ललितपुर, शनद, प्रतिभा, काजोल, मीनल, आदित्य, अजित, प्रीति, आयुषी, अदिति, शांत, रेखा, आगम, अनन्या, अमित, रजनी, सिद्धि, अशोकनगर, समस्त परिवार ने छेदपाल जी में स्थित दुकान को भी क्षेत्र के लिए समर्पित किया, साथ ही स्वर्ण की दो चुड़ियां भी तपोदय तीर्थ पर प्रदान की हैं। असीमकालीन भक्ता में ऋतु बिजोलिया क्षेत्र के लिए 51,000 रुपये की राशि में संपत भाई, विमल कुमार, शशिकला, कमल, करण देवी, नितिन, पूजा, अमित, सुनीता, जल सम्यक उपवास तथा जैन साहेब परिवार ठुकराई उपवास के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, और साथ ही गौशाला गाय हेतु दान जिन्होंने 1,00,000 रुपये की राशि श्रीमती मनोरमा कुसुम जैन की पुण्य स्मृति में, समस्त महावीर मार्बल परिवार सागर मध्य प्रदेश, और उनकी भावना है कि गाय का नाम भी मनोरमा रख दिया जाए तो और अच्छा है। असीमकालीन भक्तांबर विधान हेतु चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी हेतु दो नाम आए हैं, अभिषेक रूही, आराध्य, अनिल, वीना, राहुल, पायल, तिथि जैन मेरठ वाले सपरिवार निवासी बोरखेड़ा कोटा। दूसरा नाम है स्वर्गीय विमल कुमार जैन व सोनम चंद जी की पुण्यस्मृति में महावीर जैन, महावीर मार्बल व ज्वेलर्स मंडला सपरिवार निवासी सागर। प्रथम जिज्ञासा है महाराज श्री हरिश्चंद जैन जयपुर, जो गतिशील जीव और पुद्गल के गमन, हलन, चलन, आगमन में सहकारी कारण है वो धर्मद्रव्य है, अतः धर्मद्रव्य के बारे में वैज्ञानिकों की क्या मान्यता है? विज्ञान, उसको विज्ञान और धर्म एक हो जाए तो फिर दो अलग क्यों रहे? विज्ञान की पहुंच ही नहीं है उस तक, क्योंकि वो अरूपी है, वो इसके संबंध में कुछ भी। अब रही बात उनकी कल्पनाएं क्या है, वो किस रूप में गति को मानते हैं, वो तो वो जाने। हमारे धर्म से, धर्म द्रव्य के संबंध में विज्ञान का कोई भी मान्यता नहीं, ना कोई मैचिंग है,
ना वे स्वीकार करते हैं। अगली जिज्ञासा है विवेक जैन जावर महाराज श्री, नमोस्तु। एक बार भावलिंगी मुनि बनने के बाद और दूसरे साधारण जीव के दृष्टिकोण में कुछ अंतर पड़ता है संसार को देखने का? बहुत अंतर पड़ जाता, बहुत अंतर पड़ जाता। उनकी आंख अलग हो जाती है, उनके कान अलग हो जाते हैं, उनका मुख अलग हो जाता है, उनके हाथ अलग हो जाते हैं, रोम रोम उनका परिवर्तित हो जाता है, इतना परिवर्तित हो जाता है कि उनके चरणों का गंधोदक चरण जगह संसारी प्राणी के चरण धोता है तो गंदा हो जाता है और मुनिराज के चरण होने से गंधोदक हो जाता है, इसलिए बहुत अंतर हो जाता है। पदम चंद जैन झलोन महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री हमारी दो प्रतिमा है महाराज जी, पहले हम लोगों के लिए सामायिक करना जरूरी है, पहले हम लोग प्रतिक्रमण करें सामायिक? और महाराज जी सामायिक कितने समय तक हमें करना चाहिए? कम से कम 48 मिनट तक सामायिक करना चाहिए प्रतिक्रमण। अच्छा तो यही है कि सामायिक के पहले प्रतिक्रमण होना चाहिए, लेकिन कुलचित कचाते यदि अनुकूलता नहीं बनती है तो सामायिक के बाद भी प्रतिक्रमण किया जा सकता है। पीयूष जैन बड़ा गांव थाना धसान, नमोस्तु गुरुदेव। धाम मंडल भूमि गोचरी राजा जनक के पुत्र थे, फिर उन्हें विद्याधरों का स्वामी क्यों कहा जाता है? श्री पद्म पुराण में कई जगहों पर उन्हें विद्याधरों का स्वामी कहा गया है। भामंडल भूमि गोचरी राजा जनक के पुत्र थे, फिर उन्हें विद्याधरों का स्वामी क्यों कहा जाता है? पद्म पुराण जी में उन्हें विद्याधरों का स्वामी कहा गया है क्योंकि विद्याधर यहाँ जनक के पुत्र थे, लेकिन बचपन का उनका अपहरण हो जाने से वो विद्याधर के यहाँ गोद गए। विद्याधर ने उन्हें पुत्रवत पाला और विद्याधर ने अपनी राजगद्दी उनको दी और विद्याएं भी सिद्ध की भामंडल। भामंडल को क्योंकि जैसे आपके यहाँ होता है ना, कोई यदि दूसरे का बेटा आपकी गोद में आ जाता है तो आपकी संपूर्ण संपत्ति का अधिकारी होता है कि नहीं? वो होता है। इसी प्रकार वहाँ के विद्याधर ने जो राजा थे उन्होंने इसको गोद ले लिया यानी स्वीकार कर लिया और स्वीकार करके उसको पूरी विद्याओं का आलेख वहाँ भी बाकायदा संकल्प होता है यह मेरा पुत्रवत पुत्र मानूंगा। तो वहाँ जो पैतृक संपत्ति होती विद्याओं की, जैसे आपके मकान धन दौलत होते वहाँ विद्याएं होती हैं, वो सब उस विद्यालय को पैतृक के रूप में मिलती हैं। और जब पिताजी का स्वर्गवास हुआ तो उसके बाद राजगद्दी पर वो बैठा तो उनके जहाँ गोद गया था वह भी विद्याधरों के स्वामी थे। भामंडल भी विद्याधर, भामंडल को मालूम ही नहीं कि मैं कौन हूँ, वो तो जिसके यहाँ पला है उसके यहाँ है। छोटे से बच्चे को यदि कोई पालेगा तो बच्चा तो उन्हीं को माँ बाप मानेगा, तो विद्याधर थे, विद्याधरों के स्वामी थे। और बस इतना ही है कि जन्म उनका वहां नहीं हुआ था, गोद में हुआ था। वो तो सीता को पहचानते भी नहीं थे कि मेरी बहन है, ये भी उनको ज्ञान में नहीं था। अगली जिज्ञासा है निखिल जैन विदिशा, नमोस्तु महाराज श्री। मेरी जिज्ञासा है कि मुनि महाराज जी तीन समय की सामायिक करते हैं तो उनका ध्यान का समय कौन सा होता होगा? वे ध्यान कब करते हैं? क्या वे प्रतिदिन ध्यान करते हैं या किसी विशेष तिथि पर्व आदि में करते हैं? ध्यान प्रतिदिन चलता ही रहता, बिना ध्यान के मुनि हो ही नहीं सकता। ध्यान एक तप है जो मुनि अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं वो ध्यान करते हैं। धर्म ध्यान है, संस्थान विषय धर्म ध्यान, अपाय विषय धर्म ध्यान, विपाक विषय धर्म ध्यान, आज्ञा विषय धर्म ध्यान। ज़्यादातर मुनिराज विपाक विषय, अपाय विषय और संस्थान विषय धर्म ध्यान करते, आज्ञा विषय धर्म ध्यान उनको करने की जरूरत कम पड़ती है क्योंकि वो तो आज्ञा को तो स्वीकार कर चुके हैं। उनके मन में ये भाव नहीं आता कि ये भगवान की आज्ञा है, अब तो ये भाव आता है यही सत्य है। जब तक व्यक्ति सत्य को नहीं जानता है तब तक बोलता है भगवान की आज्ञा है कि ऐसा है। मुनि बनने के बाद तो भगवान की आज्ञा नहीं, ऐसा लगता है पढ़ते स्वाध्याय करते समय यही सत्य है। जिनेंद्र भगवान ने कहा है वो भी गौण हो जाता है, अब तो ऐसा लगने लग जाता है यही सत्य है। तो आज्ञा विषय धर्म ध्यान से ऊपर उठ करके संस्थान विषय धर्म ध्यान, विपाक और अपाय विषय धर्म ध्यान, सबसे ज्यादा साधु संस्थान विषय धर्म ध्यान करता है। अपाय और विपाक विषय को उसको टाइम कहाँ है, वो मानते ही नहीं कि दुख का दिन है। अपाय विपाक विषय धर्म ध्यान वो करें जिनको दुख हो, जो परेशान हो, जो कष्ट जो विपरीत परिस्थितियां आती हैं
उनको वो दुख मानते ही नहीं, अपाय के लिए उनको दूर करने का अपाय भी नहीं सोचते, क्या सोचे क्या विचार करें, हमें कोई तकलीफ ही नहीं। जब तकलीफ हो कर्मों के अशुभ उदय में तो अपाय बचाए धर्म ध्यान भी करते, विपाक बचाए अपाय बचाए धर्म ध्यान व्यक्ति अपने लिए साधु बहुत कम करते, क्योंकि साधु स्वयं के लिए बहुत कठोर हो जाता है। साधु अपने लिए इतना कठोर, निर्दयात भस्म सात क्रिया, इतना कठोर हो जाता है, इतना कठोर कि उसको कोई पता ही नहीं चलता कि मुझे कोई कष्ट है। सबसे ज्यादा विषय ध्यान होता है संस्थान विषय धर्म ध्यान, सृष्टि का स्वभाव बत्थु साहब धम्मो, बत्थु का स्वभाव जो है ये संस्थान विषय धर्म ध्यान का विषय है। हर वस्तु का स्वभाव, कोई भी वस्तु का स्वभाव जाता है, पेड़ देख रहा है वस्तु के स्वभाव को, चिंतन कर रहा है ये पेड़ मेरे ऊपर ना गिर जाए, ये पेड़ मेरे काम का है, ऐसा साधु को विचार ही नहीं आता। साधु को विचार आता है इस वृक्ष का स्वरूप क्या है, कौन जीव है, किसने निर्माण किया, यानी हर वस्तु को, ना तो उन्हें कोई वस्तु का उपभोग करना नहीं इसलिए लोभ जागता नहीं, अनिष्ट करने का मेरा अनिष्ट होगा क्या, क्या करेंगे मेरा अनिष्ट, तो इष्ट और अनिष्ट से भी ऊपर उठ जाते हैं। विपाक विचय अपाय विधान सबसे ज्यादा संस्थान, तीन लोक की जो सृष्टि का स्वरूप है, चीटी को भी ध्यान करेंगे अपाय विचय विपाक विचय के ध्यान ध्यान के रूप में नहीं, स्वभाव के रूप में। जब साधु की दृष्टि पे जब तत्व दृष्टि आती है उसके अंदर सब तरफ स्वभाव ही स्वभाव दिखता है, बत्तु स्वभाव धम्मो, सांप भी है तो उसका स्वभाव क्या है, बिच्छू है तो उसका स्वभाव क्या है, पापी है तो पापी का स्वभाव क्या है, पापी है तो पापी का स्वभाव, अब पापी है अब पापी को देख के ये भाव नहीं आ रहा है ये पापी मेरे लिए न मार डाले, ये पापी अनिष्ट नहीं करने, वहीं पे चिंतन कर रहे हैं ये पापी का स्वभाव क्या है। यशोधर महाराज को ये डर नहीं है कि मेरे गले में सांप डाल रहा है, वो सोच रहा है नरक जाने वाले का स्वभाव क्या है, ये नहीं करेगा तो क्या करेगा, दुश्मन गालियां नहीं देगा तो तुम्हारा हित सोचेगा, अब देखो दुश्मन गाली दे रहा है इसे गाली बंद कैसे कराऊं, क्या करूं, ये भाव नहीं आ रहा है। साधु क्या भाव आता है, कौन है, दुश्मन है, तो दुश्मन गाली नहीं देगा तो क्या प्रशंसा करेगा, अब देखो स्वभाव पर चलेगा। अपाय विषय धर्म ध्यान नहीं किया, विपाक विषय धर्म ध्यान नहीं किया, ये गाली क्यों दे रहा है, और मेरे अशुभ कर्म का उदय है, मैंने कोई पाप किया होगा इसलिए गाली दे रहा है, यानी साधु ने गाली को स्वीकार कर लिया, मिर्ची लग रही है, अब गाली को एक्सेप्ट कर लिया और मिर्ची लग रही है कि हम कैसे करें। साधु कहता है गाली कौन दे रहा है, दुश्मन, बोले उसका स्वभाव है ऐसा। अगली जिज्ञासा है अनिल पटवारी बिजोलिया, नमोस्तु गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ज्ञानार्णव ग्रंथराज से है। पूज्य गुरुदेव, जीवों की ऐसी चिंता हो कि मेरे किंचित भी रोग की उत्पत्ति स्वप्न में भी ना हो, ऐसी चिंता होना तीसरा आर्त ध्यान है। प्रश्न है कि इसको आर्त ध्यान कैसे कहा है, यह तो सब जीवों की भावना होती है, कृपया समाधान करें। कहा भी नहीं है, तुम्हें लिख दिया है, जगत में सब जीवों को सुख हो, मेरे लिए भी कभी जीवन में कोई बीमारी नहीं आए, ऐसा मानना कोई आर्त ध्यान नहीं है। इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग और पीड़ा चिंतन, तो आप पीड़ा चिंतन में यदि अपन कर रहे हैं कि मेरे कष्ट बहुत, बीमारी नहीं आना आए ये धर्म ध्यान है, बीमारी का कष्ट मुझे नहीं आए ये अर्थ ध्यान है, कष्ट ना आवे बीमारी नहीं आए तो ठीक है, और उसमें भी अभिप्राय देखा है, क्यों नहीं आए साहब बीमारी आपको, क्यों नहीं आए बीमारी आपको, महाराज इसलिए नहीं आवे कि हमें अभी पड़ोसी से निपटना है, यदि मैं मर गया तो फिर उसकी अभी पेशी चल रही है और हमने वकील किया है उसको एक बार जेल भेजना है, इसलिए हे भगवान मुझे कुछ दिन और जिंदा रहना है। अब देखो कितना अंतर आ गया, एक व्यक्ति ने कहा कि मुझे अब ये पाप और करना है इसलिए मुझे बीमारी नहीं आना चाहिए, आज मैं फलानी वस्तु खरीद के लाया हूँ, हे भगवान आज बुखार नहीं आ जाए नहीं तो कौन खाएगा उसको, अब ये सब संसार ये आर्त ध्यान है। और किसी को आ जाए कि हे भगवान मैंने अभी एक मन बनाया है जिनेन्द्र देव के मंदिर बनाने का, जिनेन्द्र देव का मंदिर बनाऊं, हे भगवान मेरी उम्र इतनी हो जाए
कि मैं मंदिर पूरा बना सकूं, बीच में ना छोड़ू। मैंने मन किया है कोई धर्म ध्यान पालन करने का और मैं धर्म का पालन करना चाहता हूं, तो आपके अभिप्राय के ऊपर आरोह ध्यान होता है। क्रिया मात्र आरोह ध्यान नहीं है, क्रिया के पीछे जो अभिप्राय छुपा हुआ है वो आर्थ रोध ध्यान या धर्म ध्यान कहलाता है। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम जिराम जैन है, मैं 12 वर्ष का हूँ, मैं गंजवासोला मध्य प्रदेश में रहता हूँ। महाराज जी, मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि क्या किन्नरों की दुआ और बददुआ असली होती है और हमें उन्हें पैसे देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए? महाराज जी, कृपया मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु। किन्नर के संबंध में हमारे जैनागम में तो कुछ लिखा नहीं, बस इतने जरूर अपन लोक व्यवहार से कह सकते हैं किन्नर पाप कर्म के उदय से बनते हैं और वो आफत के मारे हैं, कर्म के मारे हैं, इसलिए उनको हम सताएं तो नहीं, लेकिन जिस ढंग से आज दादागिरी करके किन्नर लोग आपसे पैसे मांगते हैं नहीं देना चाहिए। आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, कोई कानून नहीं है किन्नरों को पैसा देना चाहिए। कभी जिस ढंग से आज दादागिरी से ले जाते हैं, बच्चों को उठाते हैं, किस ढंग से वो नाच करते हैं, किस ढंग से अश्लीलता करते हैं, किस ढंग का प्रदर्शन करते हैं पैसों के लिए, ये ढंग ठीक नहीं। इस ढंग के लिए ना तो कानून सहमति देता है ना धर्म सहमति देता है, ये तो गुंडागर्दी है। गुंडागर्दी के तरीके बहुत सारे होते, नहीं देना चाहिए। रही बात करुणा और दया की, चूंकि वो उनके शरीर नपुंसक है, हिजड़ा है, वो कोई कमा नहीं सकते, वो कोई मजदूरी पर नहीं जा सकते, उनका शरीर काम नहीं करता मजदूरी के लायक, वो कोई नौकरी पर नहीं जा सकते क्योंकि लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, वो व्यापार धंधा नहीं कर सकते बड़ा। इसलिए करुणा और दया की दृष्टि से देने में तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन यदि वो दादागिरी से लेते हैं, अधिकार मान के लेते हैं, तो नहीं देना चाहिए। कोई किन्नरों की बद्दुआ नहीं लगती, यदि बद्दुआ लगती तो अभी तक तो वो इस सारी दुनिया को मिटा डालते, किंचित मात्र भी बद्दुआ नहीं लगती। बद्दुआ से नहीं डरना, बस दया भाव हमारे समाज में है, होना चाहिए। दया की दृष्टि से उनको देने में कोई बाधा नहीं है, दादागिरी से नहीं। अगली जिज्ञासा पना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम पूज्य निर्यापक शर्मण के चरणों में हम सबका कोटिसा नमन। मुनि श्री, सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम इस सूत्र की टीका में कहा है कि ये इंद्रियां नियत देश में स्थित पदार्थ को विषय करती हैं, ये तो समझ आया, लेकिन कालांतर में अवस्थित रहती हैं, तो कालांतर में अवस्थित रहती हैं इससे क्या तात्पर्य है? और मन ना तो नियत देश को विषय करता है और ना कालांतर में अवस्थित रहता है, तो कालांतर में अवस्थित रहना नहीं रहना इसको विशेष समझना चाहते हैं। इसकी बात संबंध में ये है कि कालांतर में इंद्रियां अपने विषय को जानने के बाद भी इंद्री वही है जहां थी। आंख ने देख लिया, पहली बात तो नियत देश में देखेगा, आंख का जो एंगल बनेगा उतने को देखेगा, पीछे नहीं देखेगा, ये नहीं देखेगा, ये नहीं देखेगा। इसी प्रकार गंध भी, कान शब्द भी, कान के एंगल में शब्द आएंगे तो ठीक है सीमा में, और सीमा के बाहर के शब्द आएंगे तो कान स्वीकार। यानी जिस इंद्री का जो क्षेत्र है उतने ही क्षेत्र की वस्तु को ही जानेगा, उससे बाहर की वस्तु को वह नहीं जानता। एक बार अवस्थित जानने के बाद भी वो अपने आप में अवस्थित है, मिटती नहीं है। आँख देखने के बाद भी दृश्य हट गया, लेकिन आँख ज्यों की त्यों है, अवस्थित है। मन के संबंध में दो विचार मिलते हैं। कुछ आचार्य ऐसा कहते हैं कि मन अस्थिर होता है, तुरंत बनता है तुरंत मिटता है, जिस समय जहां से सोचने का विचार आता है वहां बन जाता है, मिट जाता है। अभी सर्वार सिद्धि के टिप्पणी में भी आया था, यानी अस्थाई होता है, पूरे शरीर में चलायमान होता है द्रव्य मन भी, एक तो वो अनवस्थित होता है। दूसरी बात है, मूल आचार्यों ने
हृदय के अंदर आठ पाखुड़ी का मन माना, तो जो मन है वह अपने आप में अनवस्थित है, स्थित नहीं होता, क्योंकि मन की क्या स्थिति मानी जाए, तो उस अपेक्षा से तो अनवस्थित है नियत स्थान ना होने से। और इंद्रियों के नियत स्थान होते हैं, निश्चित स्थान होते हैं इस अपेक्षा। अगली जिज्ञासा है अनुज खांडू कॉलोनी बांसवाड़ा। मेरे गुरु भगवान के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। हे भगवान, पूर्वाचार्य आचार्य अनुसार हम 90 ग्रह तक 31 सागर तक की आयु भी पूर्ण करके वापिस आ गए हैं। भगवान, मूल में ऐसी कहाँ भूल रही कि इतना तप घोर तप करने के बाद में, हमें 90 ग्रह तक जाने के बाद भी हम संसार में रोल रहे हैं। मूल भूल बनी रहती है स्वभाव की भूल, लक्ष्य नहीं बना पाता कई व्यक्ति। आप लोग कई बार दुकान पर बैठे बैठे कमाते रहते, हम पूछे आपसे किस लिए कमा रहे हो, बोले महाराज अभी सोचे ही नहीं। कितने लोग हैं जो अपनी जिंदगी जी रहे हैं, आपकी जिंदगी का लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य? 90% लोगों को पता नहीं है कि मैं क्यों जी रहा हूं, बस जी रहा हूं। मेरा भूख लगेगी तो रोटी खा लूंगा, रोटी खाते समय कभी भाव आया कि मैं किस लिए रोटी खा रहा हूं? बस इतना ज्ञान, मेरा भूख लगी थी इसलिए खा ली, काय के लिए खाई, किस लिए खाई ये तो बताओ। भूख लगी थी खा ली, लेकिन किस लिए खाई किसको पता है? किस कौन ध्यान करता है कि मैं रोटी किस लिए खा रहा हूं? कौन ध्यान कर रहा है कि मैं पानी किस लिए पी रहा हूं? प्यास लगी थी पी लिया पानी। कौन कह रहा है कि मैं किस लिए सो रहा हूं? बस नींद आ गई तो सो गया। कितनी जिंदगी में है, किस लिए कमा रहे हो? किसी से पूछा तुम जिंदा क्यों? महाराज क्या करूं, मर जाऊं क्या? मैंने ये नहीं कहा कि मर जाओ, मैंने ये नहीं कहा मर जाओ, मैंने ये पूछा जिंदा क्यों हो? महाराज जी उम्र मिली है तो जिंदा हूं, उम्र जिंदा है यही नहीं मालूम कि भैया तुम जिंदा क्यों है? यदि किसी से पूछो बड़ा गुस्से में आ जाए, महाराज जी आप बहुत बुरे भाव करते हो। मैं पूछू भैया तू जिंदा? और अच्छे अच्छे से एक विनोद ब्रह्मचारी सामने से आए, बाहर से आए, तो मुझको विनोद ब्रह्मचारी अच्छा तुम अभी जिंदा हो, जिंदा क्यों हो? तो ये इसको भी कहेगा महाराज जी इसका अर्थ है आप मुझे क्या चाह रहे हो, दृष्टि जाएगी कि नहीं, क्योंकि तुम्हें मालूम ही नहीं कि मैं जिंदा क्यों। और जी रहे सभी, जी रहे दुनिया जी रही, चींटी जी रही उसको मालूम नहीं मैं किस लिए जी रहे हो, पशु जी रहा है उसे मालूम नहीं मैं किस लिए जी रहा हूं, और मनुष्य भी हैं उनको भी मालूम नहीं कि मैं किस लिए जी रहा हूं। 99.99 लोगों को मालूम नहीं कि मैं जिंदा क्यों हूं। इसी प्रकार से वो मुनि बन जाते हैं लोभ से भय से आदि किसी से, उन्हें ये मालूम नहीं मुनि क्यों बन रहे हो, बोले बन रहे हैं सब बन रहा है तो ठीक है, कारण पारक उसका जो अर्थ क्रिया है वो नहीं समझ पाते कि मैं किस लिए जिंदा हूं। पर्पस लगाओ, आज मुझे सुबह जिंदगी मिली है, क्यों मिली जिंदगी? आज रात में ना जाने कितने लोग मर गए, मैं जिंदा क्यों? सुबह उठ करके परिणाम आना चाहिए, क्यों हूं मैं जिंदा, क्या कारण है? हमसे छोटे वाले भी चले गए, मैं जिंदा क्यों? ऐसा प्रतिदिन आना चाहिए, शाम होते ही ना जाने दिन में कितने लोग चले गए और मैं सकुशल आ गया, मैं जिंदा क्यों? हर क्रिया के समय ये सब लोग नहीं सोच पाते हैं, ये संसारी व्यक्तियों का स्वभाव होता है। अगली जिज्ञासा अशोक जी घुंघरावत खांडू कॉलोनी। मेरे पूज्य आराध्य गुरुदेव के श्री चरणों में कोटिश नमन। गुरुदेव, अभी हम 10 दिन क्वारंटाइन रहे तो हमने ये भावना भाई कि हमें बुखार नहीं आ जाए, खांसी नहीं हो जाए, सर्दी नहीं हो जाए, ये गुरुदेव हमारी कौन सी मतलब कौन से ध्यान में आएगा? ये धर्म ध्यान में आएगा कि तुम मालूम कर थोड़ी से मालूम चलते ही बिजोलिया से आउट ऑफ हो जाओगे, ना महाराज को हार दे पाओगे ना कुछ कर पाओगे। धर्म छूट जाएगा उसके निमित्त से जो भय होता है वो भय धर्म ध्यान के अंतर्गत ही आता है, आरोह ध्यान नहीं होता। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। अगली जिज्ञासा है सोदा जी बिजोलिया। पूज गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, आर्त ध्यान का फल त्रियंच गति है और यह भाव छायोपसमिक है, वयस का काल अंतर मुहूर्त है, एक गे पर अंतर मुहूर्त ही रहता है, तत्पश्चात गे अंतर हो जाता है,
इसका क्या अर्थ है, समाधान दें? क्या हो जाता है पहले जाए? अर्थ ध्यान का फल त्रियंच गति है। ठीक है, अर्थ ध्यान का अर्थ है, त्रियंच गति का अर्थ, आर्थ ध्यान से त्रियंच गति ही मिलती है, ऐसा नियामक कारण नहीं है। हाँ, आर्थ ध्यान में मर जाए तो फिर वो बात अलग है, लेकिन आर्थ ध्यान तो छठे गुण स्थान तक होता है, पंचम गुण स्थान में भी होता है। तो फिर भी निकृष्ट ध्यान होने से उसके दोषों की तरफ ज्यादा बखान किया जाता है। एक अंतर्मुहूर्त रहता है, एक अंतर्मुहूर्त में आर्थ से आर्थ ध्यान भी हो जाएगा, क्या बात होगी, क्वालिटी बदल जाएगी, जीवन भर आर्थ ध्यान चल सकता है, जीवन भर भी। मिथ्या दृष्टि को तो दो ही ध्यान होते, आर्थ और रौद्र ध्यान, अभी दोनों आर्थ से रौद्र, रौद्र से आर्थ और आर्थ से आर्थ चलता रहेगा, उसकी क्वालिटी बदल जाएगी, अभी जिस क्वालिटी का है उससे बढ़ जाएगा या घट हो जाएगा, ऐसा मानना चाहिए। जैसे मनुष्य त्रियंचों में लेसिया एक अंतर्मुहूर्त में परिवर्तनशील होती है, लेकिन नारकियों के जीवन बदलती है, लेकिन लेसिया तो बदलती है, उसी में हीना देख होती रहती है, ऐसा मानना। अगली जिज्ञासा दक्षिता पटवारी। नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि ब्लू कलर लकी कलर होता है क्या? ब्लू कलर नीला कलर लकी कलर होता है क्या? ये कलरों का बड़ा मामला है, किसको कलर लकी कलर होता है, अलग अलग सब लोगों का होता है, दिशाओं का अलग होता है। जैसे उत्तर दिशा है तो ब्लू कलर ठीक है, और यही दिशा दक्षिण में लगा दो तो कबाड़ा है। जैसे यहाँ देखो, अब यहाँ तुम्हारा पंडाल का गेट करा ब्लू कलर का और ये करा येलो और लाल, अब ये कलर पलट के उधर लगा दो, वे इधर लगा दो, तो सब माया उल्टी हो जाएगी। अब दिशा के अनुसार है, उत्तर दिशा है तो अलग कलर है, दक्षिण दिशा है दक्षिण का लाल कलर है। महाराज जी, अगर किसी का पसंद ही नीला कलर है तो फिर? तो मुझे लगता है कि उसकी कुंडली में नीला कलर ही अच्छा होगा, क्योंकि प्राय प्राय रुचि भी बनती है उनके नेचर के अनुसार। अब जिनका नीला कलर जिनका है, जिनका शनि है, लग्न है, कुंभ राशि है और शनि उनका मूल में है, तो उनको ब्लू कलर बहुत अच्छा है, वो ब्लू कलर पसंद करेंगे, ब्लू कलर आते ही उनको अच्छा लगेगा। तो ये कलरों का राशि से, दिशाओं से अंतर रहता है। अगली जिज्ञासा अनुज जैन। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, देखा जाता है एक नीलम होता है, नीलम, ये नीलम की ऐसा नेचर है, यदि फल जाए तो न्यारे बारे कर देता है, और यदि गलत हो जाए तो चक्रवर्ती को भी रोड फैला देता है, इतना खतरनाक होता है। नीलम दो होते हैं, खूनी नीलम होता है, उसमें खूनी के दम्बे रखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन वो दोनों काम जितना फायदेमंद है उतना ही निगेटिव पड़ जाए तो नुकसान भी। अनुज जैन महाराज श्री, नमोस्तु। महाराज श्री, देखा जाता है कि सरकारी विद्यालय एवं प्राइवेट विद्यालय की शिक्षा बहुत अधिक अंतर देखा जाता है दोनों में, परंतु सरकारी विद्यालय में पढ़ाने के लिए एक प्रकार की परीक्षा देनी होती है, लेकिन उस परीक्षा में जो पास हो जाता है वह सरकारी शिक्षक होता है और जो पास नहीं होता है वह प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है, परंतु दोनों की शिक्षा में इतना अंतर क्यों दिखाई देता है? क्योंकि दोनों में सरकारी स्थिति होती है, सरकारी शिक्षक होना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि काम कम है, वेतन निश्चित है, और प्राइवेट में जो प्राइवेट वाला है उसने कमाने के लिए खोला है, तो तुमसे अधिक से अधिक कमाई कराएगा, कम से कम वेतन देगा और काम अधिक कराएगा, तो इसलिए अंतर तो होता ही है। प्राइवेट में पर्पस तुम्हारी योग्यता और अयोग्यता पर नहीं है, उसको कमाने से मतलब है, उसने पैसा कमाने के लिए खोला है। कोई भी व्यक्ति प्राइवेट कॉलेज विद्यालय सेवा के लिए नहीं खोलते, व्यक्तिगत जितने कॉलेज खोले सब कमाने के लिए खोलते हैं, व्यापार है। हाँ, संस्था से खोला जाए तो वो सेवा का रूप ले सकता है, प्राइवेट तो नहीं ले सकता, तो उनके उद्देश्य अलग अलग है। सरकार जो खोलती है वो कमाने के, विद्यालय कमाने के लिए नहीं खोलती, सरकार का उद्देश्य अलग रहता है, इसलिए सरकारी कॉलेजों की फीस कम होती है, क्योंकि उनका कमाना पर्पस नहीं है, जनता को ज्ञानी बनाना पर्पस है। तो दोनों के अभिप्राय में अंतर है। संजय जैन, दिल्ली। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, अनिष्ट और अरिष्ट में क्या अंतर है? बता चुका हूँ, दो दिन पहले ही प्रश्न आया था। इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान संपन्न हुआ। आज के आरती के लिए तैयार रहेंगे।
अशोक कुमार जी, मांगीलाल जी, अर्पित, अनुज, खांडू कॉलोनी, जिन्हें परम पूज्य महाराज श्री कहार कराने का सौभाग्य मिला था, तैयार रहेंगे। इसके पहले जिनवाणी स्तुति। जवाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, शोवाणी मस्तके धरो।